अलैकुम हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सिक्स एंजाइम्स और आज का हमारा टॉपिक है मकैनिज़म ऑफ एंजाइम एंजाइम्स की अगर बात की जाए तो एंजाइम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन्स होती हैं एंजाइम हम कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब के सब प्रोटीन हैं लेकिन जितने भी प्रोटीन हैं वो सब के सब एंजाइम्स नहीं होते मकैनिज़म ऑफ एंजाइम को हम डिस्कस करेंगे मकैनिज़म मीन्स के एंजाइम वर्क करता किस तरह से है वैन इन्जाइम अटैच विद द सबस्ट्रेट जब इन्जाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है अ अटैम्प्रेरी इन्जाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म तो इन्जाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है टेम्प्रेरी इन्ज़ाइम कैटालाइज द रिएक्शन इंजाइम क्या करता है कैटालाइज करता है रिएक्शन को स्पीड अप करता है स्पीड तेज कर देता है रिएक्शन की एंड सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड इंटू अ प्रोडक्ट जिसे क्या होता है सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना देता है सबस्ट्रेट आफ्टर इट इन्जाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक होता है इन्जाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज़ तो वो क्या करते हैं एंजाइम और प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं ये देखिए ज़रा आपके पास इंजाइम थे और सबस्ट्रेट थे जब ये मिले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया एंज़ाइम ने क्या किया रिएक्शन को कैटालाइज किया जिससे सबस्ट्रेट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया एट द एंड एंजाइम और प्रोडक्ट रिलीज़ हो गए इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इन्जाइम एक्शन ऑफ अ जर्मन केमिस्ट इमाल फिशर ने क्या किया था एटीन नाइन्टी फोर में प्रोपोज लॉक एंड की मॉडल उसने लॉक एंड की मॉडल प्रोपोज पेश किया था अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इस मॉडल के अकॉर्डिंग बहुत इन्जाइम एंड सबस्ट्रेट पर जैसा स्पेसिफिक शेप देट आर फिक्स एक्जैक्टली इन टू वन एंड अदर लॉकड की मॉडल में उसने बताया था कि इन्जाइम और सबस्ट्रेट की फिक्स शेप होती है जैसे लॉक और की की स्पेसिफिक शेप होती है स्पेसिफिक ताले में एक स्पेसिफिक चाबी के फिट होती है तभी वो जाके खुलता है इसी तरह इंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक शेप होती है दिस मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी उसने बताया कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक शक्ल होती है ठीक है स्पेसिफिक टाइप के होते हैं वो स्पेसिफिक शेप के होते हैं इसे अगर देखें हम तो एंजाइम है ये एंजाइम के ऊपर जो जगह जहाँ पे सब्सट्रेट आके अटैच होता है उसे एक्टिव साइड बोलते हैं और ये सब्सट्रेट है और दोनों की स्पेसिफिक शक्ल है अगर ये अकॉर्डिंग टू द एक्टिव साइड सब्सट्रेट नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी इन 1958 एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने क्या किया मोडिफिकेशन इन टू लोक की मॉडल में उसने मॉडिफिकेशन की एंड प्रोपोज अ इंडियूस फिट मॉडल उसने इंड्यूस फिट मॉडल दिया अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइड इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर रादर इट इज़ मोल्डेड इन अ रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्मेंस फंक्शन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में डैनियल कोशलैंड ने क्या कहा कि एक्टिव साइड जो है वो जगह एंजाइम के ऊपर वो जगह जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने लगना होता है उसकी फिक्स शेप फिक्स शक्ल नहीं होती बल्कि वो अपने आप को मोल्डेड कर लेती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट जिस तरह का सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके अटैच होगा वो अपने आप को उसी तरह से चेंज कर लेगी मोल्ड कर लेगी उसी तरह से इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ इन्जाइम एक्शन अगर देखा जाए तो लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में से इंड्यूस फिट मॉडल को ज़्यादा बेहतरीन समझा जाता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इसका मतलब है कि स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक इन्जाइम यूज होते हैं दे आर आर ओवर टू थाउजेंड नॉन इन्जाइम दो हज़ार किस्म के इन्जाइम जो हैं जाने जा चुके हैं ईच ऑफ विच इज़ इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन जो कि स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को देखते हैं इन्जाइम आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक इनके सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक होते हैं इन्जाइम्स के द इन्जाइम प्रोटीज प्रोटीज इंजाइम जो है क्या करता है विच ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन जो कि प्रोटीन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा विल नॉट वर्क ऑन अ स्टार्च जो प्रोटीन के लिए काम कर रहा है वो स्टार्च के लिए काम नहीं करेगा ठीक है ख़ास किस्म का इंजाइम ख़ास किस्म का काम करेगा स्टार्च विच इज़ ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम अमाइलेज अब स्टार्च को कौन ब्रेक करेगा अमाइलेज अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक कर रहा है तो इसने प्रोटीन को ब्रेक नहीं करना फिर यानी कि स्पेसिफिक किस्म का इंजाइम स्पेसिफिक किस्म का काम सर अंजाम देगा सिमिलरली लाइपेज इंजाइम एक्ट एज आ एक्टोनल लिपिड्स एंड डाइजेस्ट डैमिन इनटू अ फैटी एसिड एंड अब लाइपेस जो है लिपिड्स की ब्रेक डाउन करके उन्हें फैटी एसिड और ग्लेस्ट्रोल में कन्वर्ट करेगा स्पेसिफिक ऑफ डिफरेंट इन्जाइम इज डिटर्माइन बाई द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट यानी कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम उसकी एक्टिव साइट की शेप जो है डिसाइड करती है एक्टिव साइट वो स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप दैट फिट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यानी कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है की एक स्पेसिफिक शेप होती है जिस पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है यानी कि वो बता रहा है कि अगर देखा जाए हमारे पास तीन किस्म के सबस्ट्रेट हैं और एक्टिव ये इन्जायम है और इसकी एक्टिव साइट है इनमें से सबसे गुड सबस्ट्रेट इसके लिए नंबर थ्री है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक शेप है जो मैच करती है इस इंजाइम से तो ये है स्पेसिफिसिटी यानी कि इनकी स्पेसिफिक शेप अगर होगी तो वो एक दूसरे पे आके फिट बैठेंगे ये तो था आज का हमारा लेसन मजीद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह निगेबान बान अल्ला हाफिज़ स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू